कॉलोब्रेशन के भी सूट वगैरह आते हैं ना, तो फिर उनको रखने, इसका बहुत ही अच्छा है ना, इसकी मैं अलग से कुर्ती बनाऊंगी फ्रॉक स्टाइल की। तो है ना ऐसे कई ड्रेसेस में शायद टाई डाई बोलते हैं, तो ये वाला ओढ़ना। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो बस अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सुबह सुबह उठी हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो अभी दोपहर की 11 बज रही है, काम वगैरह मेरा सारा हो गया है, मतलब जो भी घर का काम था। एंड अभी मैं ऊपर वाली रूम में आई हूँ क्योंकि मुझे है ना एक ड्रेस की कटिंग करनी है, और उस ड्रेस का ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज मुझे ना छोटे छोटे काफ़ी सारे काम करने हैं, लाइक मुझे अभी कटिंग भी करके रखनी है कुछ ड्रेसेस की, तो कुछ है ना सूट भी स्टिच करने वाले तो उनकी भी कटिंग करके रखूँगी। एंड साथ में ही मुझे ना कपड़ों के लिए स्पेस बनानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रेसेस एंड कपड़े वगैरह भी हो गए हैं, और धीरे धीरे जैसे कॉलोब्रेशन भी करते हैं तो वो सब भी ड्रेसेस आती है ना, तो कपड़े रखने की जगह ही नहीं बची है, मतलब सारी जितने मेरे अलमीरा बेड है ना सब भरे पड़े हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ड्रेस की कटिंग करके सबसे पहले तो मैं अलमीरा बेड नीचे का अच्छे से सेट करती हूँ, स्पेस बनाती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत तो मतलब ऐसे स्पेस हो जाए और मैं अपने सारे कपड़े ना सेट करते हैं कपड़े। तो बस अभी चलते हैं नीचे, थोड़ी देर में जाऊँगी और फिर क्या कुछ होता है पूरे दिन में वो सब देखते रहना, ब्लॉग को एंड तक देखना तभी आपको पता चलेगा। मुझे भी अभी आइडिया नहीं है कि मैं आपको क्या कुछ दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो अभी मुझे ना बेड के अंदर थोड़ी सी स्पेस करनी है क्योंकि ड्रेसेस वगैरह काफ़ी सारी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी प्योर की ड्रेसेस है ना वो इस साइड में रखूँ, वैसे ऑलरेडी मैंने इस साइड में रखी भी हुई है। तो आज पहले मैं यही काम करती हूँ। तो कॉलोब्रेशन के भी सूट वगैरह होते हैं तो उनको रखने की भी जगह नहीं है, वैसे तो मैंने एक साइड में है ना अपनी कुछ प्योर की ड्रेसेस रखी है। तो अभी मुझे देखती हूँ मैं कैसे स्पेस करूँ इसके अंदर, ये सब जैकेट वगैरह कुछ इसके अंदर भी सारे कपड़े, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना लेन देन वाले भी कपड़े, वो तो खैर मेरे ऊपर वाले बेड के अंदर है, इसमें सिर्फ जो अच्छे जो सूट होते हैं ना मतलब लेन देन के, जो मैं खुद भी पहन सकूँ और किसी को देने लायक ऐसे हो तो वही रखती हूँ, कुछ उधर हो। तो ये देखो ये वाला भी फिर से थोड़ा सा मैसी हो गया है, मैंने इसको अच्छे से है ना सेट करके भी रखा था, थोड़ा बहुत ही इसको सेट करना है, देखती हूँ इसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, उसी में मैं जगह बनाती हूँ, ले कुछ उतरो। तो देखिए यहाँ पे मैंने है ना अपनी सारी जो प्योर की हैवी ड्रेसेस थी ना, लगभग ये मुझे लगता है कि 10 वाली ड्रेसेस मेरी आ गई है आराम से इसके अंदर, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही। तो ये वाले मैंने आपके साथ में है ना वीडियो के अंदर शेयर किए थे, नाड़ी की पैकिंग और कुछ आइटम जो मैंने बनाई थी शादी से रिलेटेड, वो सब पड़े हैं, जब मीनू की शादी होगी तो उसे देने के लिए काम आएगा। और बस ये वाला काम तो हो गया है, इसको मैं बंद करती हूँ और इसको मैं सही करती हूँ। तो देखिए मैंने ना एक रो जो थी वो साफ़ कर ली, कुछ सूट वगैरह मैंने निकाल के छोड़ दिए हैं, इसमें भी सूट है, इसमें भी कुछ कपड़े हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सूट निकाल लिए क्योंकि इस साइड ऐसे जो बैग्स है ना मेरे, जैसे खुशू के जो सर्दियों के कपड़े हो गए और मेरी स्वेटर शॉल वो सब चीज़ें मैंने एक साइड में रख दी है, एंड थोड़ी सी स्पेस भी मैंने रख ली है ताकि कोई एक्स्ट्रा सामान हो तो मैं डाल दूँ। और इस साइड में ये भी सारे सूट है, जैसे लेन देन के किसी को सूट देने पड़ते हैं ना, तो ये पहनने लायक सूट है वो सब मैं एक साइड में रखती हूँ, एंड ऊपर वाले बेड में ऐसे हैं जो एकदम हल्के जो सूट होते हैं ना वो मैं ऊपर वाले बेड में रखती हूँ, एंड जो जेंट्स के जो सूट होते हैं वो भी ऊपर वाले रूम में जो बेड है ना उसी में ही है। तो अभी इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, एंड ये वाले कपड़े भी मैं इस साइड के अंदर भी सेट करती हूँ। तो देखिए ये वाली जो साइड है ना ये भी मैंने अच्छे से सेट कर दी है, बस ऊपर मुझे कवर लगाना है, और अब मैं बहुत जल्द आपके साथ में है ना एक अच्छी सी वीडियो शेयर करूँगी जिसके अंदर की मैं आपको मतलब रिक्रिएट मैंने पहले भी किया है कि राजपूती सूट से मैंने सूट वगैरह बनाए थे, मतलब कुर्ती एंड प्लाजो, तो फिर से मैं और क्यों बनाने वाली उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए भी मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हो आई थिंक है ना इस कमरे में ये लाइट प्रॉपर नहीं है ना, मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। ये देखिए इस ओढ़नी के अंदर है ना पूरे के अंदर इस तरह की जो झीरी होती है ना वो है, ये देखिए एकदम मतलब ऐसे ओढ़ना ख़राब हो रखा है, तो इसीलिए मैं इस सूट को स्टिच नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं इसको राजपूती सूट ही स्टिच कर लेती, मतलब घर में पहनने के लिए सही था, कॉटन का फैब्रिक है पूरा तो ये वाला, बट अब मैं इसका बहुत ही अच्छा है ना
इसकी मैं अलग से कुर्ती बनाऊंगी फ्रॉक स्टाइल की, क्योंकि इसमें ये कटिंग वाला निशान दे रखा है ना इसीलिए। तो इसके साथ में ये मगजी का कपड़ा था तो ये भी मेरे काम आ जाएगा। तो इसकी अलग से कुर्ती एंड इस पर मैं येलो कलर की पैंट है ना जो स्टिच कर लूँगी। और ये जो कुर्ती का कपड़ा था ना इसके अंदर भी बॉर्डर बनाया हुआ है, ये इस तरह से बॉर्डर पूरा। तो इसका मैं एक अलग कुर्ता ना जो स्टिच कर लूँगी, तो मेरे पास में रेड कलर की पैंट है तो वो इस पर मैच हो जाएगी। चुन्नी लेके आनी है बस रेड कलर की और कुछ नहीं करना है। और इसकी मैं थोड़ी कटिंग करके और उस पर जो मैं सूट तैयार करूँगी ना ये वाला, उसकी चुन्नी ये कॉटन की हो जाएगी। इस तरह के रिक्रिएशन करने वाली हूँ, इसमें भी कुछ कपड़े हैं तो इन सब की मैं सूट वाला बनाने वाली हूँ। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया है, कॉटन के सूट मैंने यहाँ पे रख दिए हैं जो फैंसी सूट है ना कभी कभार पहनने वाले वो, बाकी तो मैं अंदर रूम में अलमीरा में रखती हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेरे पेटीकोट है वो जो कभी कभार काम में आते हैं, जैसे यहाँ पे जो कुछ मेरे पास में थोड़ा सा साड़ी एंड सूट का कलेक्शन है वो है, क्योंकि कम ही पहनती हूँ मैं यहाँ पे, तो पहनती भी नहीं हूँ। यहाँ पे कुछ ब्लाउज़ वगैरह है, वहाँ पे कुछ घुटने वगैरह एक्स्ट्रा के अंदर जो होते हैं ना वो सब है। तो अभी है ना शाम की 5:30 हो रही है एंड सडनली हमारा भाई साहब परिधान पे जाने का मतलब प्रोग्राम बन गया है। तो काकी साहब का कॉल आया था कि चलो चलते हैं, और काफ़ी दिनों से हम सोच भी रहे थे, मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया था कि जाना है जाना है। तो मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ, मैं सो ही रही थी, मतलब खुश हो रहा था, बस उसको उठाया, उसके कपड़े चेंज किए और बस बाल वाला चोट भी मैंने सही भी नहीं किए, बस कपड़े पहन लिए हैं और अभी चलते हैं। अच्छा भी है नहीं इन कलर भी अलग है ना, ये वाला कलर भी अभी काफी चला हुआ है ना ऐसे कई ड्रेसेस में देखा। हाँ ए अच्छा आप दो ही कलर मंगाए हैं यानी? हाँ ऑर्डर से मंगाते हैं कॉटन के अंदर रामा कलर, रामा कलर नो कॉटन कपड़ों, कॉटन है नहीं हो रंग तो कौन सा तारी भाव है मासी सा 200 रुपये मिलता है 800 रुपये मिलता है और नहीं मैं तुम्हारा वो ले रही हूँ, वो भी 7 करोड़ अच्छा लगा है भैया नो ऐसे नहीं करते भैया, गंदी बात, गंदी बात कलर, गंदी बात कुछ भैया, गंदी बात कुछ नो लगे। हाँ लगे तो अच्छी है, ओ या चक्री टाइप वो सो कुछ है पिंक कलर मत है। हाँ पिंक पर या फिर डार्क पिंक पर, लेकिन मम्मी का बैग देख क्या चीज़ खुशु चांटा लग जाएगा। अच्छा है मम्मी क्या करेगा, तो
अलग कलर है नहीं पर्पल सा कलर है नहीं ये तू मत जा ये तू मत जा वो और कलर भी अच्छा है नहीं वो भी अलग है ये रम्मा हाँ वो रम्मा है नहीं अब बार हो जाएगा और रम्मा वो भी अच्छा लगा है नहीं एक इतना कितना का कलर लाग रही थी क्यों लाग रही हे ना मैचिंग हो रही है हाँ थोड़ा कलर भी है पर इन अंदर इसी रंग की मग भी और यहाँ लगाओ नहीं तो अच्छा लग रहा है वो ब्लैक कलर सोने और यो और यो कुछ बैठ गया एंड ये वाला सूट मुझसे पूछा था कि उसमें कलर ऑप्शन और कौन कौन से थे इसका भी मैंने कोलैबोरेशन किया था तो आप इसमें देख सकते हो कि अब भी इनके पास में ना 4-5 कलर अवेलेबल है तो जिन किसी को भी मतलब जिस किसी को भी इनमें से कोई भी कलर अच्छा लगता हो तो आप इनको बुक करवा सकते हो तो यहाँ पे ये देखिए एक रामा सा कलर है एक डार्क ग्रीन है एंड ये थोड़ा सा मस्टर्ड सा कलर है एक इसके अंदर पिंक कलर भी है तो ये सब इसके कलर हैं चार है। कलर है क्या कलर कैसा लग रहा है कौन सा ले रही वो दिखाना तो खाली दिखो हुए अच्छा पर्पल ऑरेंज आ गई हां पर्पल ऑरेंज दो ही निकाले मैंने एक ये वाला एक ये वाला इनमें से कोई देख लो पर्पल में ये कलर वो भी तो निकाले हो और ना कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ये हमारा कलर अच्छा है ये और भी कलर और भी हम ये तो देख नहीं अब मेरे को अच्छा थैंक यू उन दोनों की अलग ही शॉपिंग चल रही है और ये मम्मी रोज तो देखिए ये सब मैं शॉपिंग करके लेके आई थी आज भाई सा परिधान से तो बाकी सूट वगैरह तो मैं आपको ना कल दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे काम वगैरह भी करना है बट अभी ये जो एक मैं बेडशीट भी लेके आई हूँ कॉटन की तो मैं अभी ये ना दूसरे रूम के अंदर मैं लेती हूँ सही रही तो बिछा भी दूँगी क्योंकि बेडशीट चेंज करने वाली होगी एंड ये जो नॉर्मल कॉटन होता है ना थोड़ा सा पतला वाला कॉटन वही वाली है तो मैंने कहा डेली यूज़ के हिसाब से मुझे सही लगी उनके पास मतलब सेल के अंदर कुछ पीसेस पड़े थे इस तरह से तो मैं एक ये वाले लेके आई हूँ बाकी सूट मैं आपको कल दिखाऊंगी तो अभी इसको बिछाते हैं बेड पे तो ये भी ऑरेंज है ये भी ऑरेंज थोड़ा सा क्योंकि इस रूम में ना ऑरेंज कलर ही है तो मैं ऑरेंज ही लेके आती हूँ मोस्टली और ये वाली मैं मार्केट से लेके आई थी दो बेडशीट बाहर जो लोबी में दीवान है ना उसके लिए तो वो भी मैं चेंज कर दूँगी देखती हूँ अभी करूँगी या सुबह कर दूँगी तो ये प्योर कॉटन क्योंकि अभी कॉटन में गर्मियों में तो कॉटन ही सही रहती है तो अभी ये वाली चेंज करती हूँ और ये वाली इस पर बिछा देती हूँ तो यहाँ पे मैंने बेड शीट भी लगा दी है मतलब सही लग रही है थोड़ा सा ब्राइट सा कलर है ऑरेंज मुझे लगता है एक दो वॉश के बाद मैंने ये थोड़ी डल भी हो जाती है ठीक है मतलब रेट के अकॉर्डिंग मुझे सही लगी तो भाई ये काम हो गया अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ गुड मॉर्निंग एवरीवन तो अभी मैंने सारा काम कर लिया है गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है मेरे फेस की तो बैंड बजी पड़ी क्योंकि गर्मियों में ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वैसे भी ऑयली है और गर्मियों में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है एंड मुझे ना पिंपल्स हो जाते हैं सर्दियों में मेरी स्किन एकदम मतलब सही रहता है मेरा पूरा फेस कुछ भी नहीं बट गर्मियों में ना छोटे छोटे से दाने दाने से हो जाते हैं
बट कोई ना, और इसीलिए मैं अभी ना कुछ ज़्यादा मेकअप मतलब यूज़ भी नहीं करती हूँ, एंड वीडियोस वगैरह भी कम ही बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस बनाएंगे तो मेकअप भी करना पड़ता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा मेकअप. क्या हुआ, दिखाने दे तो. अरे ऐसे नहीं करते गंदी बात. 5 मिनट में लेती हूँ, 5 मिनट में. नहीं आज क्या बात करेगा लोग, होती मैं ऐसे नहीं करते ना. कल भी इसने ऐसे किया था शॉप पे, इतना तंग किया ना दोनों बहन भाइयों ने. बस हम इन्हीं को संभालने में लगे थे, और मैं मतलब सूट वगैरह कुछ लेके आई थी. आपको पता ही है कि शॉप पे जाते हैं, चाहे मार्केट जाओ चाहे कहीं पे भी, तो कपड़े तो ना चाहते हुए भी हम ले ही आते हैं. तभी तो मेरे कुछ सूट और भी पड़े हैं जो मैंने स्टिच नहीं किए, बट गई थी तो मुझे अच्छे लगे. तो पहले तो मैं, और बेडशीट मैंने आपको दिखाई दी थी, तो वो वाली बेडशीट मैंने बेड पे भी मतलब बिछा दी है. तो अच्छा है ना, थोड़ा सा बेडशीट का शौक ही है, मतलब यहाँ पे मुझे अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बेड भी इतने सारे हैं ना, दीवान बेड, डबल बेड, तो चाहिए चाहिए. तो एक तो मैं ये वाला जोड़ ओढ़ना ले, खुशू मत कर, चल खड़ा हो जाए 2 मिनट बाबू ऐसे. तो मैं ना ये वाला जोड़ ओढ़ना लेके आई थी डेली यूज के अकॉर्डिंग, तो अच्छे मतलब निकलते हैं डेली यूज के हिसाब से. आपको 250-300 के अंदर अच्छे जोड़ मिल जाएंगे. मार्केट के अंदर आपको ना 300-350 से कम जोड़ नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं मोस्टली ना कपड़े वगैरह इन्हीं से लेके आती हूँ, क्योंकि इनके रेट काफ़ी सही है. तो एक मैं ये वाला जोड़ ले गई. इसका भी ऑरेंज सा ही शेड आ रहा है, बट वो लाइट की वजह से है. वैसे ना डार्क पीच कलर सा था इसका, तो मुझे अच्छा लगा. और कभी एक दो बार बाहर पहन लेंगे, फिर घर में पहन लेंगे. घर में मैं वैसे भी राजपूती ड्रेस बहुत ही कम पहनती हूँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी गाउन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो ना कपड़े ये वाले सुखाते भी नहीं है. तो एक तो मैं ये वाला जोड़ ओढ़ना लेके आई थी, उसके साथ में ये वाला लहंगा है. तो लहंगा जो कॉमन ये क्रेप वाले जो होते हैं ना वो वाला, तो मुझे अच्छा लगा था इसका जो पैटर्न था ना, मैं आपको दिखा देती हूँ. उसमें 2 कलर थे, एक गाजरी के अंदर था और ये वाला, तो मैं ये लेके आई. फिर उनके पास में भी जोड़ के अंदर कॉटन में भी आपको मैंने मतलब काफ़ी सारी वैरायटी दिखाई थी. बाकी मतलब ये लोग खुशू और भी साथ में थे ना, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाई थी, तो जितना उपाय मैंने दिखाया. बाकी अपडेट के लिए आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको व्हाट्सएप पे ऐड हो जाना ग्रुप में, तो वो सारी अपडेट है ना देते रहते हैं. एंड वो सेल भी ना लगाते रहते हैं, तो सेल के अंदर जैसे जोड़ ओढ़ने ना आपको 200 रुपये के अंदर भी मिल जाते हैं, जो कि आपको मार्केट में नहीं मिलने वाले, एंड फैब्रिक भी अच्छा रहता है. तो 200-250-300 के अंदर अच्छे जोड़ मिल जाते हैं, तो मैं मोस्टली है ना जोड़ वगैरह उन्हीं से ही लेती हूँ. एक बार ये वाला जोड़ ओढ़ना लेके आई थी, सॉरी मेरे पास एक सूट था, तो उस पर ये वाले जो पैटर्न है ना विशिंगूरी टाइप के से टाई डाई वाले, ये बहुत ज़्यादा अभी चले हुए हैं. तो इससे पहले भी आपने मेरा पिंक वाला सूट देखा होगा जो मैंने कोलैबोरेशन किया था उनके साथ में, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, वो शिंगूरी के अंदर था. इसको शायद टाई डाई बोलते हैं. तो ये वाला ओढ़ना, ऐसे जोड़ भी थे उनके पास में, एंड शिंगूरी में भी जोड़ थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट उसमें कलर मतलब गाजरी रेड ये सब भी थे, तो वो मुझे नहीं लेने थे. तो ये मैं ओढ़ना लेके आई थी, एंड ये मैं एक ड्रेस लेके आई हूँ ये वाले, जो कि आपको दिखाई हुई थी अभी उनके पास में. 2 कलर में थी पर्पल, ये जो कलर है ना, मैं बहुत टाइम से जब से ट्रेंड में आई थी ना तब से ही मैं सोच रही थी, बट मुझे ये था कि मैं कोई हैवी ड्रेस लूँगी, हैवी ड्रेस लूँगी, बट फिर अभी ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मन में है तो मैं ये वाला कलर ले ही लेती हूँ, क्योंकि अगर बाद में मैं कोई फंक्शन का वेट करूँगी ना तब तक तो ये ट्रेंड से आउट भी हो जाएगा ये वाला कलर. वैसे अब तो बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, मतलब पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ये वाला कलर. तो ये ना शेड के अंदर है, आप देख सकते हो लाइट टू डार्क शेड के अंदर है. कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, और इसमें ना सीखे का पूरा काम किया हुआ है, और जो इसका कपड़ा है ना वो क्रेप टाइप का कपड़ा है. कपड़ा मतलब सॉफ्ट है, बट हाँ मुझे अस्तर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अस्तर से क्या है ना कि सूट के अंदर थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है, अच्छा लगता है. इसके साथ में ये आने वाली मोची भी दी हुई है, और बाकी पूरा मतलब ऑल ओवर कपड़ा इसी के अंदर है. ये इसकी ओढ़नी, ओढ़नी के अंदर भी पूरे में इस तरह से जाल बनाया हुआ, अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती हूँ. जब भी पहनूंगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देख ही लोगे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली भी. तो ये वाली ड्रेस है ना उनके पास में 2 कलर में थी, बाकी आप ऑन ऑर्डर भी मंगवा सकते हो. एंड मैं आपको बता दूँ कि ये वाली जो ड्रेस है ना ये हमराई के अंदर है. एक्चुअली प्योर में मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे है ना ये वाला जो है ना सीखे टाइप का ये मुझे कम पसंद आता है थोड़ा सा. और ये ड्रेस एंड हमराई के अंदर है ना मेरे पास में ड्रेसेस है भी नहीं, एक या दो ही ड्रेस होगी, क्योंकि मोस्टली मेरे पास में प्योर की ही ड्रेसेस है. बट ऐसा होता है कि जो नॉन राजपूत होते हैं उनकी शादियों में कभी जाना होता है ना,
तो फिर वहाँ पे प्योर के पहनना मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है, तो हैवी ड्रेस प्योर के पहनना मुझे लगता है कि वहाँ पे इतना कोई जानता भी नहीं है और इतना सज धज के हैवी ड्रेस पहन के जाओ। तो मुझे ना हमदाई के अंदर ड्रेस लेनी थी और अभी मैं एक दो और भी लूँगी ताकि ऐसे अलग ही कोई कॉलोनी में फंक्शन हो या इस टाइप में मैं कुछ ऐसी ड्रेस पहन सकूँ। एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल भी रहती है, जैसे मर्जी हो वैसे पहनो, इनको घर पे वॉश करो तो काफ़ी सही रहता है। तो मेरे पास में नहीं थी ना, तो इसीलिए मैंने हमलाई के अंदर मंगवाई थी। बाकी ओढ़नी तो आप बेटा मत कर, बाकी ओढ़नी आपको पता है कि जो हमलाई वाली होती है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा स्लिप होती है और लुक भी मतलब फ़र्क तो आता ही है। देखो प्योर का एंड हाफ प्योर का थोड़ा सा लुक में तो फ़र्क होता ही है, बट कोई ना, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और पहनने के बाद में देखेंगे कैसी लुक आएगी। थोड़ी देर के लिए कहीं पहनना होता है, बाकी जैसे जो हमारे फैमिली फंक्शन हो मतलब राजपूतों में कहीं जाना हो करना हो तो वहाँ पे तो देखो प्योर करके एंड हमारी फैमिली में सारे ना प्योर के ही पहनते हैं, तो इसे तो हाफ प्योर कोई पहनता भी नहीं है ना, तो इसे मैं लेती भी नहीं थी कि ऐसा ऑकवर्ड सा लगता है फिर कि हाँ हाफ प्योर पहने। आपको पता है कि थोड़ा सा ना प्योर हाफ प्योर में ऐसे हाफ प्योर पहनते तो कोई ऐसे सोचता कि हाफ प्योर की पोशाक है, तो थोड़ा खुद को भी ऐसे लगता है। एंड जहाँ पे पहनते हैं तो वहाँ पे नहीं लगता है। जैसे ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे हमें प्योर का इतना आइडिया नहीं था, हमें प्योर ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इतना आइडिया भी नहीं था। एंड उस साइड में इतना चलता भी नहीं है मतलब प्योर वगैरह, वहाँ पे मेरे जैसे हाफ प्योर ही ज़्यादा चलता है। अब तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब इनको देख देख के लोग मतलब पहनने लग गए हैं, बट उस टाइम पे इतना नहीं पहनते थे। 7-8 साल बाद, तो मैं 7-8 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ, तो उस टाइम पे नहीं था। मेरी शादी में भी मैंने आई थिंक 2 या 3 ऐसे जोड़ थे जो कि मैंने प्योर के लिए थे, बाकी मोस्टली हाफ प्योर के ही थे या फिर कॉटन के थे, तो हमें आइडिया भी नहीं था। यहाँ आने के बाद भी क्योंकि जो हमारे यहाँ के ससुराल की फैमिली यहाँ पे सब प्योर पहनते थे, तो फिर धीरे धीरे मतलब आइडिया लगा कि हाँ। एंड जो मेरे सासू जी थे उनको भी प्योर ही पसंद था, वो भी प्योर के, अगर वो खुद प्योर के पहन रहे हैं तो फिर मुझे वो हाफ प्योर थोड़ी पहनने देते। तो बस ऐसे करके धीरे धीरे जो भी मेरे शादी वाले जोड़ वगैरह थे वो मैंने सब दे दिए, कुछ एक पड़े हैं ऐसे ही। तो कभी ऐसा होता है कि हाँ कहीं पहनने पड़ते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, बाकी अब मैं सारे प्योर के ही पहनती हूँ। पहले ऐसा था बट आजकल नहीं है, मतलब अब तो हमारे मतलब उधर भी प्योर के पहनने लग गए हैं। एंड मेरी जो मम्मी है वो भी मोस्टली प्योर के ही पहनती है, क्योंकि जैसे अब मैं भी प्योर के पहनती हूँ तो वो एक रहता है ना कि घर के अंदर, जैसे अब मम्मी भी प्योर ही पहनती है। धीरे देखो देखने से और जब चीज़ों का नॉलेज आता है ना तब धीरे धीरे चेंज होता ही है, तो ये चीज़ है। बाकी देखेंगे, इसका कलर वगैरह मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये वाली ले ली है। एंड प्योर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आई थी, ये वाली 1150 की इतनी थी एंड प्योर के अंदर अभी इस टाइप की आई थिंक 2200 या 2300, मतलब सिर्फ ओढ़ने का ही फ़र्क है, 1000 रुपये आप ओढ़ने का मान सकते हो, इतना ही है। तो बस यही मैं लेके आई थी और तो कुछ खास ऐसी शॉपिंग नहीं की है, तो बस अभी करेंगे थोड़ा बहुत काम और फिर देखते हैं। मैंने ना ओढ़नी को मतलब खोल के चेक किया था कि मतलब कट वट ना हो, एंड मुझे इसके अंदर जो अच्छी चीज़ मैंने देखी, ये देखिए जो गोटा लगाया हुआ है ना पुशु नो, इसके अंदर ये पूरा हाथ से लगाया हुआ है, मशीन से नहीं लगाया हुआ, आप देख सकते हो। तो ये देखिए एकदम है ना गोटा इसमें हाथ से लगाया हुआ है। मोस्टली आपने है ना ड्रेसेस के अंदर देखा, मोस्टली है ना आपने ड्रेसेस में देखा होगा कि मशीन से गोटा लगाया होता है, जो कि बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं है, एकदम उसमें फिनिशिंग भी नहीं होती, इकट्ठा सा हुआ रहता है। बट इसके अंदर मैंने अभी अभी देखा था कि हाथ से लगाया हुआ है, तो मतलब कितना सही है ना कि इतने कम प्राइस के अंदर ड्रेस और गोटा भी हाथ से लगाया हुआ, गोटा किरण दोनों, वरना तो एकदम जैसे प्योर की भी मेरे पास में जो ड्रेसेस है ना उसमें पता मशीन से लगाया हुआ होता है ये गोटा एंड किनार। और आजकल तो ये वाली, खैर ये वाले लगाने लगे, पहले तो छोटी वाली लगाई हुई आती थी बट वो भी मशीन से ही आता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैसी हो गया है सारे कपड़े, और क्योंकि क्या है ना कि आपको जैसे मैंने दिखाई है कि मैं स्टिचिंग अब ऊपर वाले रूम में ही करती हूँ, नीचे नहीं करती हूँ। उसको जो बैठा उसको सुलाऊंगी, और बेड पे हम नहीं सोते हैं, गर्मियों में हम नीचे सोते हैं, सर्दियों में भी नीचे सो सकते हैं बट नींद नहीं आती है, सर्दी में तो चल जाता है, पर गर्मी में तो हमें ना ऐसे नीचे गद्दा लगा के फिर नींद आती है। तो यहाँ पे ये सब कपड़े पड़े हैं, और इसमें कुछ और जो ड्रेसेस की मटेरियल है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए ना वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस के आइडिया मतलब आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये देखो ये कुछ मेरे ना सूट वगैरह हैं जो पुराने, ये वाला ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सब मुझे इस बेड के अंदर रखना है। तो पहले नीचे वाला कर दिया बेड सही, अब मैं सोच रही हूँ कि ये वाला बेड भी है ना अभी सही कर देती हूँ। तो पहले मैं खुशी को सुलाती हूँ फिर काम करूँगी।
तो ये देखिए मुझे काम करते करते ना 4:45 हो गई थी, खुशबू भी सो गया था एंड लगभग मैंने ना अंधेरा और जो बेड था ना वो अच्छे से सेट कर दिया। ये देखिए कचरा, कितना सारा कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो भैया आज तो मैंने ना काफ़ी सारे काम किए हैं क्लीनिंग के एंड तो अच्छा भी लगता है जब सब चीज़ें सेट हो जाती है। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर शाम के खाने में लगेंगे। तो अभी शाम को मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन। मंचूरियन के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्ची, पत्ता गोभी, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो पहले तो इन सब जो सब्जियाँ हैं इनको चॉप करते हैं एंड जो ग्रेवी बनेगी ना उसके लिए अलग से लेना है, मतलब प्याज वगैरह। ये तो सिर्फ अभी मैं मंचूरियन के जो पकौड़े होते हैं ना वो बनाने के लिए ले रही हूँ। तो पहले मैं ये सब चीज़ें ना अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। तो ये वाला मैंने अच्छे से है ना सब्जियों को पानी जितना भी था वो सब मैंने निकाल लिया है। मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ मिक्स की थी। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे, देन फिर थोड़ी सी कश्मीरी पाउडर कलर के लिए, थोड़ा सा क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं, ठीक है। इतना ये डाल दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, मतलब इतना सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ा सा नमक, जो सिंपल नमक होता है ना वो। अब इसके अंदर 2 चम्मच मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर एंड 3 चम्मच मैं मैदा डालने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा इसमें सोया सॉस में पहले डाल देती हूँ, बाद में कॉर्नफ्लावर और डालूँगी, हल्का सा इसमें सोया सॉस बस। तो ये देखिए जो पकोड़े का जो डो है ना वो मैंने अच्छे से रेडी करके छोड़ दिया है इस तरह से ही। अब इसको छोटी छोटी सी, मतलब पकोड़े, थोड़ा सा मैं तेल लगा लेती हूँ हाथ के ताकि ना इजीली, मतलब ऐसे पकोड़े की शेप बन जाए। कुछ बना के छोड़ देती हूँ अभी, तेल मैंने गर्म चढ़ा दिया है वहाँ पर, बस इतने ही साइज के, ज़्यादा बड़ी नहीं मैं बनाने वाली हूँ, इतनी इतनी साइज की मैं बनाऊँगी। पहले मैं हल्का सा तेल लगाती हूँ। तो अब अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने कुछ तो कर भी लिए हैं। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्ची, 1 प्याज, थोड़ी सी पत्ता गोभी, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। साथ में 2 चम्मच मैंने ना अरारोट को पानी के साथ में इस तरह से मिक्स करके छोड़ दिया है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और अब यहाँ पे सॉस बनाते हैं, तो मैंने रेड चिल्ली सॉस लिया है 2 चम्मच, इसमें केचप डालूंगी, थोड़ा सा विनेगर एंड सोया सॉस। तो हमारी ये सॉस भी रेडी हो जाएगी। आप चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो, बट ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है। तो चलिए अब ग्रेवी बनाते हैं। गैस को एकदम हाई फ्लेम पर रखना है। तो तेल गर्म होने के बाद में सबसे पहले इसमें लहसुन अदरक डालेंगे थोड़ा सा ब्राउन करके, फिर इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे, देन फिर सारी सब्जियाँ थोड़ी सी रोस्ट कर लेंगे, बस थोड़ी सी ही करनी है। देन फिर इसमें सॉस डालना है लास्ट के अंदर, इसमें डालेंगे हम आरारोट, जो हमने जो मिक्सचर जो रेडी किया था ना, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाएगी। एंड लास्ट में थोड़ा सा अजीनोमोटो इसमें डाल देंगे। और ये ग्रेवी मंचूरियन रेडी है एकदम, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बस सर्व करो उस टाइम पे इसमें हरा धनिया, और अगर स्प्रिंग अनियन है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, तो काफ़ी टेस्टी लगता है।